मैं आज का जो ये हादसा स्वीडन में हुआ, जिसमें हमारे बच्चों की कुछ जानें तलाफी हुई, मैं अपनी दिल की उम्मीद गहराइयों से उन घरों के साथ ताज़ियत करता हूँ जिनके मासूम बच्चे आज इस हादसे के शिकार हुए। पूरी वादी मातम में है, क्योंकि बच्चे सबके होते हैं, बच्चे खाली माँ बाप के नहीं होते हैं। ये ऐसा सानिया है कि दिल रोने से रुकता नहीं है, आंखें सुबह से ही इस बार हैं। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जो ये मुसीबत आज वादी में हम पे नाजिल की है, अल्लाह ताला करे कि इन बच्चों के वालिदैन को सब्र जमील अता करे। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शायद ये नहीं होता अगर बरवक्त वो पुल जो वहाँ पर था वो अगर बन गया होता, शायद नहीं होता। बहरहाल हम मुसलमान हैं, हमें यकीन है कि अल्लाह के फैसले ऊपर लिखे जाते हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, इनके वालिदैन को सब्र जमील अता करे। हम बराबर इनके सानिये में शरीक हैं। मुझे उम्मीद है सरकार इंक्वायर करेगी इस पूरे हादसे के बारे में, और जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाएगी। और अभी चूँकि सर्च मुकम्मल नहीं हुई है, सर्च शिद्दत से जारी रखनी है ताकि सभी बच्चों को दरामद किया जाए। कुछ बच्चों की अभी कोई पता नहीं है, अल्लाह करे वो बहफाजत हमें मिले। आज सुबह से ही दिल किसी चीज़ की तरफ नहीं जा रहा है, खाली इन्हीं बच्चों के बारे में सोच जा रहा है। मुझे लगता है कि आज शायद हमारे अपने बच्चे गए हैं, दर्द और दुख वैसा ही है। चीज़ भी इन माँ बाप को कंपनसेट नहीं कर सकती, इन बच्चों की तलाफी नहीं कर सकती, लेकिन सरकार को देखना चाहिए, कंपनसेशन भी होना चाहिए, और इसके बिना आगे ऐसे हादसा ना हो उसके लिए भी इकदाम उठाने ही पड़ेंगे। आज सुबह जब ये हादसे की खबर आ गई कि एक कश्ती डूब गई है दरियाए जहलम में, और वहाँ पे जो लोग लुकमाए अजल बन गए, ये हादसा है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है, और हम इस दुख में शामिल हैं उन फैमिलियों के साथ जिनके घर में ये मातम छाया हुआ है। हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इनके रूहों को जन्नत नसीब करे और आइंदा ऐसी मुसीबतों से हमें महफूज रखे, यह हादसा फिर से ना हो। इसके लिए हमें इक्तदाम उठाना पड़ेगा, और सारी हमारी टीम सरकार की टीमें लगी हुई हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में। जो बच गए हैं अल्लाह ताला उनको जल्दी जल्दी सेहत याब करे, और जो इस दुनिया को खैरबाद कह चुके हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में जन्नत। हाँ, जो आज ये सानिया जो पेश आया, और हम क्या मानते हैं कि इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट को उठाया था। दो तीन ब्रिज थे ये कश्मीर के अंदर, एक आपका बेमिना में था और जो मुश्किल से जो बन गया बाद में, और ये दूसरा ब्रिज था आज, और जो जिसकी नाव जो है जिसके साथ लग गई और नाव टूट गई, और जिसकी वजह से आज ये सभी लोगों की जो डेथ हुई, और क्या कहते हैं, और जो सानिया हम मानते हैं इसको, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं खास करके जो जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट हाथ में उठाया था। उस वक्त लोकल गवर्नमेंट थी यहाँ पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कौन लोग थे, और अगर प्रोजेक्ट उठाया तो आप लोग क्या फोटो शो करने के लिए जाते हैं गवर्नर के पास और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? आप लोगों ने इसको मुकम्मल क्यों नहीं करवाया टाइम पे? हार्डली यहाँ पर 2 साल या 3 साल के अंदर जो है ब्रिज बन जाते हैं, और ये नालायकी नहीं तो क्या है?
और अगर और मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि आप लोग जो रॉयल्टी के नाम पे करोड़ों रुपया जो लोग लेते हो पब्लिक से, परेशान करते हो पब्लिक को, बेगुनाह लोगों को पीएसए लगाते हो, आप लोगों ने कभी नाव वालों को चेक किया कि ये नावें जो चल रही है क्या इनके पास लाइसेंस है, क्या ये सूटेबल है क्रॉस करने के लायक? वहां का जो लोकल पुलिस स्टेशन था, क्या उन्होंने तहसीलदार को कभी इन्फॉर्म किया? क्या तहसीलदार कभी मौके पे गया? तो ये नालायकी है, मैं इसे यही कहूंगा कि ये सरकार की भी नालायकी है। आप देखिए, ना अहलियत है, ना काबिलियत है, और ये जो मौत आज वहां पर वाका हुई, इसकी जिम्मेदार वो लोग ही खाली नहीं है जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट उठाए थे। ये शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ दिया था। हमने तो उन प्रोजेक्टों को उठाया, काम करके दिया, दो दो साल में, साल के अंदर कंप्लीट करके दिया। उन इलाकों में हम लोगों ने सड़कें बनाई जहां पर आप लोगों ने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था, और ये ब्रिज आपसे नहीं बन सका, ये तो शर्म की बात है। और कम से कम सरकार जो यहां पर बैठी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, तो वो लोग तनखा लेने के लिए बैठे हैं खाली? क्या आप दो दो ढाई ढाई लाख रुपए तनखा ले रहे हो? कम से कम ये तो देखिए कि आवाम कहां से आएगी, कहां से जाएगी। गवर्नर इंतजामिया से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई आप उत्तर प्रदेश या मुरादाबाद से हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मुरादाबाद की परेशानी रहे। आप जम्मू कश्मीर की तनख्वाह ले रहे हो, यहाँ का प्रोटोकॉल ले रहे हो इस टाइम पे, और कम से कम इन चीजों को तो देख लें आप। पब्लिक को मरने के लिए ना छोड़े। ये सरकार का काम होता है कि जब आपका फ्लड आता है तो रेड अलर्ट किया जाए, या उन इलाकों में रेड अलर्ट किया जाए, उन इलाकों में पब्लिक को ना जाने दे। और आपने कैसे अलाउ किया इस नाव को क्रॉस करने के लिए? आप जो हर सेकंड के बाद इन रेडे वालों के पीछे होते हो, हर 10 मिनट के बाद इनसे आप लाइसेंस मांगते हो, तो ये जो नाव थी क्या आपने इसकी लाइसेंस चेक की थी? आपने मॉनिटर किया था? तो मेरे हिसाब से एक FIR लग जाना चाहिए। इसमें जुडिशरी का एक रोल बनता है, हमारे ऑनरेबल हाईकोर्ट का एक रोल बनता है कि एक ऑर्डर पास हो, और ये जो सरकारी मामले जो जो भी मुलवस इसमें है, चाहे सरकार है, चाहे कुछ और लीडरान है जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को उठाया, इस पे एक इंक्वायरी हो और उन लोगों के खिलाफ FIR लॉन्च हो।